हेलो दोस्तों, मैं हूं विश्राम और आज हम लोग बात करने वाले हैं TVS की न्यू बाइक जो कि लॉन्च हो सकती है, जो कि BMW की कॉपी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कुछ दिन पहले BMW ने अपनी TVS अपाचे की बाइक जो कि 310 सीसी वाली है, स्पोर्ट्स बाइक है, उसको BMW ने लॉन्च करा है। चूँकि BMW के पास 310 सीसी के आसपास की कोई बाइक नहीं थी स्पोर्ट्स बाइक्स, इसीलिए TVS अपाचे 310 को अपने प्लेटफार्म पर लॉन्च किया है। अगर ऐसे ही अगर हो सकता है तो BMW जो कि G310 GS है अभी, जो कि एडवेंचर टूरर बाइक है, वो TVS को अगर मिले तो TVS अपने प्लेटफार्म पर लॉन्च कर सकती है। और ये इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिली, मैं चेक कर रहा था मोबाइल पे, रस लेन करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर मुझे दिखाई दिया TVS अपाची 310 एडवांस रेंडर बेस्ड ऑन BMW G310 GS या न्यू फेरो, ऐसा करके हम मुझे दिखाई दिया। तो मैंने चेक किया वहाँ, तो मुझे दिखाया दिया कि TVS अपाचे 310 एडवांस रेंडर जो कि BMW की एडवेंचर टूरर बाइक है, इंट्री लेवल की 310 सीसी की, वो TVS की प्लेटफार्म पर लॉन्च हो सकती है। या किस नाम से लॉन्च होगी ये कंफर्म नहीं है, और ये भी कंफर्म नहीं है क्योंकि ये डिज़ाइन इमेजिन किया गया है अभी डिजिटली। जो प्रत्युष रावत जो कि TVS के ऑफिशियल मेम्बर होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, उन्होंने ये डिज़ाइन इमेजिन किया है जो कि BMW की G310 GS एडवेंचर टूरर बाइक है उसको। अगर हाँ, ये भी देखने वाली बात है कि BMW क्या शेयर करती है अपनी ये इंट्री लेवल एडवेंचर टूरर बाइक को TVS के साथ, कि TVS अपने प्लेटफार्म पर लॉन्च करे, ये देखने वाली बात है। और ये भी अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, ये किसी एक बंदे की इमेजिन की हुई है, तो अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है TVS की तरफ से भी और BMW की तरफ से भी, ठीक है। तो क्या मतलब इसमें क्या क्या कलर हो, 3 कलर में ऑप्शन है, ये आपका वाइट कलर का दिखा रहा है वेबसाइट में, और एक रेड कलर का दिखा रहा है जो कि रेसिंग रेड है, रेसिंग रेड कलर, और एक तो स्टील ब्लैक जो कि अभी चल रहा है फैशन में, है ना। और इसमें अगर इसका प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग में हमारा BMW का जो अभी है G310 GS उसका 3,10,000 के आसपास का एक शोरूम प्राइस है करेंटली, और इसका दिखा रहा है 3,00,000, मतलब 10,000 रुपया में आपको क्या ही मिलेगा ना, 10,000 रुपये का डिफरेंस लेके आप मतलब TVS का लोगो लेंगे या फिर BMW का लोगो। अगर मेरा पर्सनल प्रेफरेंस, अगर मेरा पर्सनल BMW का ही लोगो लोगे ऑब्वियसली, क्यों TVS का लोगो क्यों लो? लेकिन अगर देखा जाए तो TVS अपना इंडियन ब्रांड है, तो TVS को भी सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें इंजन का कैपेसिटी अगर हम लोग देखें तो इंजन का कैपेसिटी में आप तो इंजन का कैपेसिटी इसका मिलेगा, हाँ इंजन का कैपेसिटी होगा आपका इसका 312 सीसी का होगा इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन है, और जो कि 33 BHP का पावर जनरेट करती है 9,700 RPM पर, और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 7,700 RPM पर, है ना। और 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, और आपको इसमें देखने वाली बात है क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, जबकि जो कि TVS में तो अच्छी है, अभी TVS में तो अच्छे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, देखना होगा किसमें अगर होती है फीचर में तो क्या फीचर्स मिलेंगे। और इसका वेट होगा 174 kg का, जो कि बुलेट से काफ़ी कम होगा तो अच्छा है, और एडवेंचर टूरर बाइक है तो वेट तो कम रहना ही चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, ये बाइक लॉन्च होगी TVS के प्लेटफॉर्म में? उम्मीद तो कम है, बहुत कम है, तो देखें फ्यूचर में लॉन्च होती है कि नहीं होती है। तो अगर आप लोगों का क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, तो आज के लिए वीडियो का अंत करते हैं, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाड़ी अच्छा चलाइए, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, जय हिंद जय भारत।